नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा की बेस्ट पॉलिटेक्निकल, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हो या फिर वो प्राइवेट पॉलिटेक्निकल हो, और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस बेस्ट पॉलिटेक्निकल में आपको एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप अच्छी पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लोगे जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, तो आपका अच्छी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपका प्लेसमेंट होगा और आपको जो सैलरी पैकेज है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं पॉलिटेक्निकल से रिलेटेड। दोस्तों देखिए, जब आप डिप्लोमा करोगे तो अगर आप अच्छी फील्ड से डिप्लोमा नहीं करोगे, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सिविल इंजीनियर, तो उसके बाद अगर नहीं करोगे तो आपका जो प्लेसमेंट होगा कंपनी में वो होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है आपके डिप्लोमा के ऊपर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट पॉलिटेक्निकल बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ जो कि पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं। दोस्तों आपका कैरियर आपका डिप्लोमा ही होगा अगर आप अच्छी फील्ड से डिप्लोमा करोगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइज, मैं आपको टॉप 10 हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के नाम बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपकी अच्छी प्लेसमेंट होगी, इसके अलावा आपको अच्छे कोर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है GBN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, जो कि नीलूखेड़ी में है। और इस पॉलिटेक्निकल के बारे में सभी को पता है कि नीलूखेड़ी जो पॉलिटेक्निकल है वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं और बच्चों को ले जाती है। इन स्टूडेंट जैसे ही अपना लास्ट ईयर होता है, फाइनल ईयर, तो उसके अंदर कंपनी आती हैं और एग्ज़ाम लेती है, इंटरव्यू लेती है, उनको कॉल लेटर दे देती है कि आप अपना एग्ज़ाम देकर उसके बाद आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों सभी को पता है और ये नंबर 1 पे है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि गूगल पर तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ GBN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलूखेड़ी, और मैं इसको सर्च करता हूँ और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की वेबसाइट पर आ जाता हूँ GBN की, और यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ चुका हूँ GBN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलूखेड़ी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट पे आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिक्वायरिंग कंपनीज, यानी कौन कौन सी कंपनी आई हैं इस कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी रहे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मारुति सुजुकी जो लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव की, वो भी यहाँ पर हर साल आती है और बच्चों को ले जाती है। पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, सुपरवाइज़र के तौर पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उनको ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कॉलेज के नाम बताने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है और टॉप 10 के अंदर कॉलेज आते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर आप इन कॉलेज से डिप्लोमा करोगे किसी भी फील्ड में, तो आपकी अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट होगी। इसके अलावा सैमसंग की कंपनी जो कि नोएडा में है, वो भी यहाँ पर आई थी। टाटा हिटैची कंपनी आई जो कि बेंगलोर में है। यमुनानगर वाली कंपनी भी आई थी, जैसे आप देख रहे हैं हैवी इज्जत यहाँ पर कंपनी आई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एक फरीदाबाद में कंपनी इस नाम से, इंटरनेशनल तंबाकू कंपनी आई थी, गाजियाबादी कंपनी है, जिंदल स्टील हिसार की कंपनी है जो कि इस पॉलिटेक्निकल में बच्चों को लेने आई थी, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर मैं बताऊँ दोस्तों, मैंने मारुति सुजुकी में काम किया है, मैंने IT पास आउट की है मैकेनिकल से, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा भी किया है नीलूखेड़ी से, और मेरी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस भी है पॉलिटेक्निकल बारे में, IIT के बारे में, और कंपनी की नॉलेज भी है। और 3-4 साल मैंने गुड़गांव में भी काम किया है, और IMT मानेसर गुड़गांव के अंदर हेड ऑफिस के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई थी, और IMT मानेसर में जो उनका पावर प्लांट है Gate No. 2, वहाँ पर मैंने जॉब भी की है। इसके अलावा दोस्तों मैंने नोएडा में जो होंडा का प्लांट था वहाँ पर भी मैंने जॉब की है। होंडा का प्लांट नोएडा में ये परी चौक के आसपास पड़ता है और कासना गांव उसके पास पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको पता है तो आप पहचान लेंगे जॉब के नाम मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने हीरो में भी काम किया जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, और काफ़ी सारी कंपनियाँ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी कंपनी आती हैं इस पॉलिटेक्निकल में जो कि मैंने आपको बताया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का, फेसबुक का, आप हमें वहाँ पर फॉलो जरूर करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ, और हमें आप इंस्टाग्राम, इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहना, और दोस्तों वीडियो को भी शेयर करते रहना। सेकेंड नंबर पर आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अम्बाला सिटी, ये भी एक काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है जो कि टॉप सेकंड पे आती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी कंपनी आती है, और मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है जो कि बच्चों को ले जाती है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत, तो यहाँ पर सोनीपत से भी आप, यानी दिल्ली के टच में है सोनीपत, तो वहाँ से भी आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से
आप डिप्लोमा कर सकते हो। फोर्थ नंबर बात है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर। मानेसर के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनी है और मानेसर के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज, तो वहाँ से भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। मानेसर जो है इंडस्ट्री एरिया है, NCR के अंदर आता है, जहाँ पर दिल्ली पास पड़ता है, और मानेसर तो है ही आपका, तो वहाँ पर भी कंपनी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है कंपनियों की। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन, ओनली वुमेन के लिए है फरीदाबाद में। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जोश, ठीक है ना, ये जींद मेरे ख्याल से होगा, जींद के अंदर काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल एक ये भी पॉलिटेक्निकल है जो कि ये पड़ता है अपना आदमपुर, मंडी आदमपुर में पड़ता है, जो कि दिल्ली के अंदर है। और उसके बाद काफ़ी सारे पॉलिटेक्निकल हैं, एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन के लिए जो कि अंबाला सिटी के अंदर है, ये भी काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है। उसके बाद है 9th नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सिरसा, सिरसे के अंदर पॉलिटेक्निकल है और इस साइड कंपनी भी है, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन सिरसा, सिरसा में दो पॉलिटेक्निकल है, गवर्नमेंट भी है और वुमेन भी है, ओनली वुमेन के लिए और बॉयज़ के लिए। तो ये टॉप 10 मैंने आपको बताई है, बाकी आप इनमें से डिप्लोमा कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के हर ज़िले के अंदर आपको पॉलिटेक्निकल मिलेंगे, कहीं पर दो मिलेंगे, वैसे एक तो पक्का ही है। तो अगर आपका इन टॉप 10 में नंबर पड़ जाता है, जो टॉप मैंने 5 बताई है, अगर उसमें आपका नंबर पड़ जाता है, काफ़ी बेस्ट है। और अगर आप अच्छे ट्रेड से करोगे तो आपके जो पैकेज है वो भी आपको अच्छा मिलेगा और कंपनी भी आपको अच्छी मिलेगी। जैसे कि दोस्तों इस पर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपकी एक स्टूडेंट लाइफ है, और अगर आप अभी से अच्छी ट्रेड से, अच्छी फील्ड से अगर आप डिप्लोमा करोगे, तो आगे के लिए आपका जो रास्ता है वो आपका आसान हो जाएगा। कंपनी ये नहीं होगा कि मैंने गलत ट्रेड से पॉलिटेक्निकल किया है, और जिसके कारण, क्योंकि दोस्तों एक बार ही आप पॉलिटेक्निकल कर सकते हो, बार बार आप समय अपना बर्बाद नहीं कर सकते। करेंगे तो आप दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने जो चीज़ कर ली है तो आप बार बार क्यों करोगे उस चीज़ को। अगर एक पहली बार में अगर आप एक अच्छी फील्ड में अगर आप डिप्लोमा कर जाते हो और आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, हीरो कंपनी होगी, जो कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग, उसमें अगर आपका नंबर पड़ जाता है, तो वहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेज होगा साल का, वो काफ़ी अच्छा होता है, और महीने की जो सैलरी होगी वो 50+ आपकी होगी। इसके अलावा और भी आपको वहाँ पर अलाउंस मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने तो नौकरी की है वहाँ पर, जॉब की है मारुति प्लांट में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में मैंने काम किया है, तो मुझे वहाँ के बारे में सारा कुछ पता है। और मारुति जैसी कंपनी जो इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा आपको पैकेज देती है, जो कि डिप्लोमा होल्डर है। तो दोस्तों अगर आप अच्छी ट्रेड से पास आउट करोगे, अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, और जिसमें कि आप अच्छा पैकेज लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 10 के बारे में बताया, अगर दोस्तों आपका इन टॉप 10 के अंदर आपका नंबर नहीं पड़ा, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कोई भी हो, अगर आपकी अच्छी ट्रेड है, तो खुद से भी जाकर आप कंपनी पे अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपकी काफ़ी वैल्यू होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो ITI की थी वो मैंने प्राइवेट से की थी, मैकेनिकल से, और मेरा वैसे गवर्नमेंट में नंबर पड़ा था। उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन सी ट्रेड अच्छी होती है, जिसमें आगे चलकर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट होगी, काफ़ी ट्रेड तो फील्ड तो ऐसी है कि आपने उससे डिप्लोमा कर लिया, या फिर आपने ITI में डिप्लोमा कर लिया, बाद में आपको पता चलता है कि जिस फील्ड से आपने डिप्लोमा किया है उसकी इतनी खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्लेसमेंट ही नहीं होगी आपकी, तो फिर उस डिप्लोमा का आप क्या करोगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी डिप्लोमा करोगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करोगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट, तो प्राइवेट की इतनी डिमांड नहीं होती। कंपनी वाले सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट को पकड़ते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद अगर बच्चे पूरे नहीं होते फिर प्राइवेट स्टूडेंट को लेते हैं, सबसे पहले चांस दिया जाता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल वालों को। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर आप ऐसा करोगे, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कहीं पर भी हो हरियाणा में, तो आप वहीं पर करना, चाहे आपका टॉप 10 में नंबर नहीं पड़ा, अदर में नंबर पड़ गया, तो आप वहीं से पॉलिटेक्निकल करना, और एक आपकी अच्छी लाइफ बन जाएगी और आप डिप्लोमा पास कर जाओगे। उसके बाद अगर आपको डिग्री बड़ी, इससे बड़ी करनी हो, जैसे कि BTech, MTech, तो आप कर सकते हो,
वो भी आपके लिए काफी अच्छा चांस रहेगा, लेकिन करना है गवर्नमेंट से ही। फीस भी कम होगी और वैल्यू भी ज्यादा होगी। फीस आपकी इतनी होती है 4 से 5 हज़ार एक सेमेस्टर का, और अगर आप इसे प्राइवेट में करोगे तो आपका 20,000 से प्लस जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, तो फीस ज्यादा है और डिमांड भी कम है, और सरकार की फीस कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों कंपनी वाले जब आपको लेने आएंगे आपसे ये भी बोल सकते हैं, अगर आप प्राइवेट से करते हो और अगर आप किसी कंपनी में अपना रिज्यूम दोगे जॉब के लिए, तो बोल देंगे कि आपने पैसों से डिग्री ली हुई है, ऐसे बोल देंगे, डिप्लोमा लिया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट से करोगे, गवर्नमेंट की मोहर आपके सर्टिफिकेट पर है कॉलेज की, तो उनको पता है कि गवर्नमेंट में आप रेगुलर जाते हो, रेगुलर स्टडी करते हो, अटेंडेंस आपको पता है ये कैसे लगते हैं कॉलेज में। तो दोस्तों ये काफ़ी मकसद तो मेरा बहुत कुछ है वीडियो में बताने के लिए, क्वेश्चन काफ़ी है मेरे अंदर बताने के लिए आपको, क्योंकि दोस्तों मैंने तो इन सभी चीज़ को देखा है और सोचा भी है, अनुभव भी किया है, और मेरे साथ ये बनी भी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों सोचता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो में काफ़ी अच्छी बात मैं आपको बोल दूँ और आपको समझ में आ जाए, और एक आप अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छी पॉलिटेक्निकल से आप डिप्लोमा करो और आप नौकरी लग जाओ, अपने परिवार को आप अपने परिवार की आप जिंदगी चला सको। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ जो कि आपके नियर अबाउट हैं, जिसे आप जानते हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आप मुझे फॉलो करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।